नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक अहमदाबाद सुधा से आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे जो इस वक्त नेल्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। वो इस टाइम पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 72 थी। तो बिना वक्त वेस्ट करे सीधे बात करते हैं ईशा डल से। ईशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू विनायक, आई एम ग्लैड टू बी हियर। So thank you for joining us. यार सबसे पहले आप ये बताओ कि नेल सर के में एडमिशन आपका कैसे हुआ? So नेल सर के अंदर I am in DOMS Department of Management. I am pursuing IPM, that is Integrated Program in Management. So आप इस कोर्स के अंदर काफी सारे एग्जाम्स के थ्रू एनरोल हो सकते हैं, जैसे कि IPMAT, JIPMAT, JEE Mains, CLAT and IIM रोहतक का भी एक एग्जाम होता है। तो इन सभी एग्जाम्स के थ्रू आप अपने स्कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पर्सनली आई गॉट एडमिशन इन नालसर फ्रॉम माय IPMAT एंड JIPMAT स्कोर। आई आल्सो गेव JEE मेंस एंड अदर एग्जाम्स आल्सो, बट बिकॉज ऑफ द टॉप मोस्ट स्कोर आई गॉट इन नालसर फ्रॉम IPMAT। ओके, तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला कि नेल सर में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है? सो बेसिकली व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर IPMAT का पेपर, सो एट द बॉटम ऑफ द पेपर इट इज रिटन कि आप इस अगर आप ये एग्जाम देंगे तो आपको किस किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने वहां पे देखा था कि अगर मैं IPMAT दूंगी तो मुझे कौन से कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिल सकता है, जैसे कि IIM इंदौर में मुझे IPM कोर्स मिलेगा, IIM रांची में मिलेगा, नालसार में मिलेगा एंड इवन IIFT काकीनाडा जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है एंड इस साल से और भी IIMs हैं जो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं अपने IIM प्रोग्राम IPM प्रोग्राम्स। तो आप एक ही पेपर से इन सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले वहां से पता चला और धीरे धीरे बिकॉज आप जब 11th 12th में होते हैं तो आपको न्यूज फैलती चली जाती है तो दोस्तों से भी पता चल जाता है। अच्छा, आप 11th 12th में आपके पास PCM थी विद कंप्यूटर साइंस, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटेंशन ये बीटेक कंप्यूटर साइंस की तरफ का था। बेसिकली एक्चुअली 11th आफ्टर 10th व्हेन आई वाज चूजिंग माय स्ट्रीम, तो उस टाइम आई वाज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। तो उस टाइम मुझे अपने होराइजंस को छोटा नहीं करना था, नैरो डाउन नहीं करना था, तो इसलिए मैंने साइंस ली थी कि अगर मैं साइंस लूंगी तो मेरे पास एक सेफ ऑप्शन होगा कि मैं किसी भी ऑप्शन में जा सकती हूँ। आई हैव ऑल्सो ऑप्शन टू स्विच स्ट्रीम्स। मुझे इतना कंफर्म था कि मुझे डॉक्टरी में नहीं जाना, बट हाँ बाकी सारे ऑप्शंस क्लियर थे। एज एंड व्हेन 11th कंप्लीट हुई, 12th कंप्लीट हुई, आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे थोड़ा मैनेजमेंट के साइड बहुत, मेरा रुझान बहुत ज्यादा है तो मुझे उस साइड ही जाना है। एंड फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर मैं इंजीनियरिंग करके MBA परस्यू करूंगी तो इट विल टेक 6 ईयर्स एंड इन दिस डिग्री अगर मैं एक मतलब एक टेक्निकल डिग्री की जगह अगर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। सो दैट्स व्हाई आई स्विच्ड माय स्ट्रीम टू हियर। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपने आपके दिमाग में आ गया कि आपको IPM में जाना है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, तो घर वालों को कन्विंस कैसे किया? घर वालों के दिमाग में होगा कि ट्रेडिशनल कि आप बीटेक करोगी, PCM की तैयारी कर रही हो, तो घर वालों को कैसे समझाया? मेरे पर्सनली घर वाले आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, दे हैव नेवर लाइक स्टॉप्ड मी फ्रॉम पर्सुइंग समथिंग, सो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड आफ्टर ऑल रादर देन पर्सुइंग अ कोर्स विच यू डू नॉट लाइक और आपको मन नहीं करेगा उस कोर्स को पढ़ने का, इट्स बेटर कि जो आप करना चाहते हो वो करोगे और आप एक्सेल करोगे। तो जस्ट वॉन्टेड कि लाइक उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए और वो खुश होना चाहिए। तो मुझे कभी इतना उनको एफर्ट नहीं लगा कि मुझे उनको कन्विंस करना है, दे वर स्टैंडिंग बाय मी ऑल थ्रू माई जर्नी। और वो उससे भी प्रूफ हो गया होगा जब आपके 90+ परसेंटेज आया 12th में, तो घर वालों को उससे भी यकीन हो गया कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, सीरियस थी अपने करियर को लेके।
और उसने भी कहीं ना कहीं पुश दिया होगा उनको, कहीं ना कहीं एक रिलैक्स दिया होगा कि नहीं आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट है। राइट. आफ्टर पैंडेमिक देयर वॉज सम टाइम जहाँ पे आई थिंक सारे ही बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, बिकॉज पैंडेमिक के अंदर आपको शिफ्ट करना एक ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडिंग से, जो आप इतने सालों से कर रहे हो, टू एन ऑनलाइन मोड, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट होने में. टेक्नोलॉजी से पढ़ना कैसे है, खुद कैसे पढ़ना है, और कोई टीचर आपके पास है नहीं आपको बताने के लिए कि नहीं आपको ऐसे करना है, आपको खुद अपने आप को फिगर आउट करना पड़ता है. और 11th और 12th क्लास जो सबसे ज्यादा, बिल्कुल इंडिया इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है कि बच्चा है 12th क्लास में है तो बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए. तब एक बार था कि थोड़ा डर लगता था, बट अगर आपका आपका मन है कुछ अचीव करने के लाइफ में तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती. बहुत अच्छी बात बोली आपने, कन्विक्शन होना चाहिए इंसान के अंदर, तो वो चीजें जो भी सोचता है वो कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद हो ही जाती है। आपने अपने जी आईपीएम की जर्नी कैसे स्टार्ट करी फिर? क्या आपने कोचिंग नहीं, लगाई? ये प्योरली सेल्फ स्टडी बेस्ड था. मैंने पहले जेई मेंस की कोचिंग करी थी, 11th में भी 12th में भी मैंने पूरी कंप्लीट करी है जेई मेंस की. आई हैव स्कोर 92% इन जेई मेंस ऑल्सो, बट आई डिडंट इंटेंड टू गो इन दैट साइड. आई जस्ट गेव द एग्जाम बिकॉज आई वॉज इन साइंस एंड यू हैव टू गिव अ नाइनटी टू जेई मेंस. परसेंटाइल के बाद भी मन नहीं हुआ? तुमने नहीं, जब कन्विक्शन था एक तरफ अपने की मन को कैसे समझाया? मैनेजमेंट ने जाना है, समझाना नहीं पड़ा, उनको पता चल गया कि हाँ उसका इंटरेस्ट है और वहां पे ज्यादा एक्सेल करेगी, यहाँ पे इतना एक्सेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आप अपने मन पसंद की चीज नहीं करोगे तो आप कभी अपना 100% नहीं दोगे उस चीज को. तो फिर जहां पे आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा यूटिलाइज होएगा तभी सबसे ज्यादा अच्छा होगा. ह्यूमन डेफिनेटली रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तभी हो सकता है अगर आप अपना 100% दोगे. तो कोई दिक्कत नहीं हुई उनको समझाने में. तो और आपने है प्रिपरेशन का बता रही थी कि आपने कोचिंग लगाई जेई की 12th तक की। तो मेरा मैथ्स काफी स्ट्रांग था. माय मदर इज अ मैथमेटिक्स लेक्चरर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो मेरा बचपन से स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो. और जेई की कोचिंग अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप इंक्लाइन हो जाते हो उसके टूवर्ड्स. बाकी बिकॉज आईबी मैथ के अंदर तीन सेक्शंस होते हैं, मैथ्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं, और इंग्लिश होता है. मेनली इंग्लिश और मैथमेटिक्स आर द मेन पोर्शंस, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग आप कि लॉजिक पे डिपेंड करती है, वो आप धीरे धीरे आ जाती है आपको अगर आप प्रैक्टिस में होते हो तो एग्जाम पैटर्न की. मैथ्स के लिए बेसिकली उसमें काफी सारे पोर्शंस होते हैं, उसके अंदर आपकी 11th 12th 10th सबके पोर्शंस थोड़े थोड़े कवर होते हैं, जैसे कि एपी जीपी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, परसेंटेजेस, टाइम वर्क, स्पीड. दीज ऑल टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की. आप बेसिकली कोई क्वेश्चन आपने करा और आपको बस याद हो गया कि उसका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे आप पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आना लग जाएगा और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. एंड डेफिनेटली सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश. इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबलरी और ग्रामर होनी चाहिए. अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के अंदर तो इट इज लाइक डायरेक्टली इम्प्लाइज कि आपके गुड मार्क्स आएंगे आईपी मैथ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अगर आप कोई भी पैटर्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेक्शन ऑफ पेपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमें पता है बचपन से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, लेकिन स्टिल वी टेंड टू लूज आर मार्क्स इन दोज एरियाज, बिकॉज हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम उसको इंटरप्रेट कर पाए कि क्या लिखा हुआ है वहां पे. तो मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप जैसे जैसे आर्टिकल्स पढ़ोगे आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, इंटरप्रेट करोगे कि उसमें लिखा क्या हुआ है, और फिर आप आंसर सॉल्व करोगे तो बहुत धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी. अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, जैसे कि मेरे पास बहुत कम टाइम था एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज क्योंकि मैं पहले जेई की तैयारी कर रही थी, फिर मुझे
जैसे जैसे पता चला कि नहीं मुझे ये चीज करनी है एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, तो मेरे पास बहुत कम स्पैन था कि मुझे जल्द से स्विच करना पड़ेगा. तो मैंने रादर दैन डूइंग लाइक डिपेंडिंग ओनली ऑन न्यूज़पेपर, तो मैंने साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. मतलब अगर आप 5 या 10 डेली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा सॉल्व करने का और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है. ओके, तो आपने कहीं बीच में ऐसा तो नहीं किया कि कैट की बुक्स भी उठा ली हो, उनसे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैटर्न सिमिलर होता है। मतलब कैट का मैथ्स थोड़ा सा हाई लेवल होता है आई फील लाइक मेरे, बिकॉज माय एल्डर ब्रदर वाज प्रिपेयरिंग फॉर लाइक इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट राइट नाउ. सो उस टाइम भी मेरे पास बुक्स थी तो उससे मैं काफी सारी चीजें, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं आईबी मैट के अंदर. आपको एक स्टोरी सम काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको अच्छे से समझना है. उसके लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि क्या पूछा है और आपको क्या आंसर करना है, बिकॉज या तो +4 मिलेगा या -1 मिलेगा, तो 5 मार्क्स का बफर आ जाएगा, वो बहुत मैटर करता है पेपर के अंदर. तो मैथ्स कैट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर जरूरी नहीं कि आप कैट लेवल का प्रिपेयर करो, बट अगर आपकी 11th 10th 11th 12th के बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर है और आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो आईबी मैट के, तो दे आर इनफ. अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको टाइम परमिट करता है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम दोज बुक्स ऑल्सो. तो अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं तो जेई मेंस की मैथ्स और आईपी मैट या जिप मैट की मैथ में कितना फर्क है? फर्क तो बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल सेम है. कंसेप्ट्स और टॉपिक सेम है, काफी हद तक सिमिलर है. अगर मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी, मतलब जेई मेंस में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, आईपी मैट में भी आता है, लेकिन कंटेक्स्ट बहुत डिफरेंट होता है. जेई मेंस का आपकी थोड़ी लाइक एनालिटिकल स्किल्स को देखता है कि आप कैसे परसीव करोगे क्वेश्चन, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होएगा ताकि आप कम टाइम में किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. लेकिन आईपी मैट में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करेगी. जेई मेंस के अंदर ओनली 75 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन 3 आवर्स, लेकिन आईपी मैट के अंदर आपको बहुत कम समय में काफी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, और इंग्लिश के भी करने हैं, मैथ्स के भी करने हैं, एलआर के भी करने हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में. नॉट कि बहुत आपको स्पीड में करना है और एक्यूरेटली करना है. भाई 5 मार्क्स का बफर आएगा, नहीं खो सकते आप उस टाइम. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को ये नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि जेई मेंस और आईपी मैट की मैथ्स का लेवल सेम है। उसका लेवल नहीं कंपैरेटिवली काफी डाउन है, और अगर आप प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। आप जिनको खासकर मैथ्स में बहुत ज्यादा एक डर रहता है कि मैथ्स हाई लेवल की नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सेफ ऑप्शन मैं कहूंगा आईपी मैट हो सकता है। बिल्कुल. जेई मेंस की मैथ्स क्योंकि मैंने दोनों करे हैं, कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल कुछ नहीं होता. अगर आप ट्राई करेंगे तो कुछ भी किसी के लिए मुश्किल नहीं होता, सब हो जाता है. बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा यूटिलाइज कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना ये समझ में आना चाहिए, और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी फिर आदमी के लिए. बिल्कुल लेकिन जेई मेंस के मैथ्स के अंदर आपको वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के ऊपर आपको जज करते हैं, वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है पूरा पेपर. सिर्फ मैथ्स नहीं, इवन केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी. आप कितनी चीजें याद कर सकते हैं और कितनी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम. आईपी मैट के अंदर सबसे जो वही बात, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों साथ में दिखानी है आपको. तो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, काफी आसान होंगे, लेकिन उस टाइम जल्दी से जल्दी कौन बच्चा उसे सॉल्व कर देगा करेक्टली, उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे. तो तैयारी करोगे और मतलब धीरे 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 डेवलप हो जाएगी विद टाइम, तो सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती. ओके, तो आपकी बात काफी बढ़िया है, और काफी अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर बोलना चाहूं तो आईपी मैट आपकी स्पीड चेक कर रही है,
और जेई मेन्स आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रही है। राइट अच्छा, अगर आपको कुछ चार पांच टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताने हो क्वांट के लिए, तो आप किसको कहोगी कि वो हाईलाइट करने चाहिए, बच्चे को फोकस रखना चाहिए उन पे? बेसिकली एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस टाइम एंड वर्क के ऊपर, आपके मतलब स्टोरी सम्स जैसे बच्चों के होते थे, लेकिन थोड़े से हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है और वो डेटा इंटरप्रिटेशन की साइड चला जाता है। एक ही क्वेश्चन गिवन होता है एंड उसके ऊपर बेस्ड एक दो तीन सब पार्ट्स होते हैं एंड यू हैव टू आंसर दोज। तो मेरे हिसाब से टाइम डिस्टेंस एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे जो ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स के नॉर्मल बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सेट थ्योरी एंड परसेंटेज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दोस कंसेप्ट्स, यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलास सो दैट आपकी स्पीड अच्छे से हो पेपर में। अगर आप उस टाइम डिराइव करोगे तो यू विल लूज ऑन टाइम। ठीक है। एंड ऑल्सो डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम एंड मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन एक या दो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ रेपिटेशन हर साल होती है इन टॉपिक्स से, तो यू शुड नो ऑल दीज टॉपिक्स। और अगर DILR की बात करें तो क्या टॉपिक्स होंगे, दो तीन टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड रहते हैं? एलआर के अंदर बहुत सारे जैसे नॉर्मल टॉपिक्स, लाइक एक क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक होता है कि अगर एक बच्चा है उसके साइड में बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस सीटिंग आपको अरेंजमेंट। आंसरिंग, यस अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट वेज, नॉट इन अ सर्कल, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ, इट कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी इन एनी अदर शेप, सो वो आपको काफी अच्छे से आना चाहिए। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस आप किसी फंक्शन के अंदर डाल रहे हो, उसके फंक्शंस के क्वेश्चंस काफी होते हैं, और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है ट्रू फॉल्स की टर्म्स के अंदर, वो भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्यूब्स एंड डाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग डीकोडिंग किसी चीज को ये कह रखा है एंड किसी पर्टिकुलर चीज को अगर आपको कोड करना है सेम लैंग्वेज में तो हाउ विल यू कोड दैट, एंड क्रिटिकल रीजनिंग, अजर्शन रीजनिंग, वो वाले टॉपिक्स वही है जो रिपीट होते हैं हर साल, बट क्वांटिटी उनकी कम होती है, एक या दो क्वेश्चन। तो आपने बहुत अच्छे से सम अप किया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चाहे क्वांट के हो या एलआर के हो, और डेफिनेटली जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि किन टॉपिक्स पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक मेजर चंक किसी भी सब्जेक्ट का कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। अच्छा, तो जब आप प्रिपरेशन कर रही थी आईपी मैट की या जिप मैट की, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके प्रिपरेशन में? बिकॉज मैं मैथ्स कर चुकी थी, मेरा मैथ्स वाज ऑन स्ट्रॉन्गर एंड, और जनरली साइंस के बच्चे 11th 12th में इंग्लिश के ऊपर इतना कहाँ फोकस करते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि आई हैव टू कोप अप विद इंग्लिश, मेरी को अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है नॉर्मल स्पीकिंग स्किल्स के अंदर नहीं, जनरली, ताकि लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस मेरे लिए इजियर हो जाए। तो आई फेस अ लिटिल बिट चैलेंजिंग पार्ट इन दैट, बाकी इट गोज स्मूथली एज यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू विल नो व्हाट यू आर लैगिंग बिहाइंड, व्हाट यू हैव टू डू टू ओवरकम दोस। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर शॉर्टलिस्ट होता है स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या पूछा गया, वो सब बताइए आप। सो मेरा पर्सनल इंटरव्यू वाज अ लिटिल बिट लाइक थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई थी, बिकॉज मेरा नेक्स्ट डे जेई मेंस का एग्जाम था, तो उससे एक दिन पहले थोड़ा सा नर्वसनेस थी बोथ फॉर द इंटरव्यू एज वेल एंड फॉर द एग्जाम एज वेल। और मेरा नेट का कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे उस दिन, तो आई गॉट इन टू द इंटरव्यू एंड सर सेड दैट यू आर नॉट विजिबल, सो आई गॉट मोर नर्वस दैट व्हाई इज माई लैपटॉप नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट सर सेड कि इट्स ओके, वी विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन यू स्पीक, सो लाइक सेल योर सेल्फ विदाउट शोइंग योर फेस। तो
I got keen, no, I will do it. So in the interview, sir couldn't see me. I couldn't see the panel, but the interview went well. Basically in interview, because I was from a PCM background, they asked me first the question, the general questions like introduce yourself, in which stream were you, how do you think that you are capable enough to come into this college, what makes you feel you are a good fit for this particular college. Those are the basic questions and everybody has the answer in themselves. Don't try to copy somebody else's answer. Make your own answers. Right. And that is the biggest point, you get selected. After that, they asked me about questions related to chemistry and physics, particularly like for salt analysis or titration. Okay. In chemistry, I got to many questions from those spheres. In physics, they asked me on questions about Bernoulli's theorem and things like that. Okay. And after that, they went to GK part. In GK, at that time, they asked me who is the current president of India, who was the first president of India, who was the first women's president of India, questions like that. Then they switched to the prime ministers. So okay. They want deep knowledge of a particular subject. Not ki aapko bas abhi pata hai ki currently ye chal raha hai. Nahin, aapko past bhi pata hona chahiye aur aapko future bhi pata hona chahiye, including the present. Okay. So this was a short crux of my interview. Okay. So you should know about the domains that you are good in. They will give you the opportunity to portray yourself, but you should know actually the things that you are good in and how you can actually explain them, that what have you achieved in the past life. बहुत अच्छे से आपने बताया इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरीके के सवाल आते हैं. आपने ये भी बताया था अभी कुछ वक्त पहले कि न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैब अच्छी होती है और आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा होता है साथ में. राइट. डबल पर्पस आपका सॉल्व हो रहा है. बिल्कुल. वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात थी कि मैंने उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ा, बिकॉज तभी मुझे इन सारी चीजों की नॉलेज थी एंड आई कुड गिव द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. बट एक्सेप्ट फॉर द न्यूज़पेपर, अगर आप इंटरव्यू के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, you should have prior knowledge about the current affairs and basic knowledge about general affairs, like who was the current president of India or who was the first president. These questions to pata hone chahiye, वैसे भी आने चाहिए, वो तो पता होने चाहिए. आप जिस country में रह रहे हो, आप जिस state में हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. अच्छा, अगर आपको last एक tip देनी हो IP match या zip match वाले बच्चों के लिए जो prepare कर रहे हैं आगे के लिए IPM course के लिए, वो क्या होगी? सबसे बड़ी टिप तो यही होगी कि अगर आपने किसी चीज की प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो बीच में छोड़नी नहीं है. बीच में बहुत बार लगेगा कि अरे नहीं हो पा रहा, या फिर कोई, जैसे बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैथ्स तो नहीं हो पा रहा. एक या दो क्वेश्चन से डिफाइन नहीं होता कि आपकी परसेंटेज क्या होगी. एक या दो क्वेश्चन मायने नहीं रखते. कितने सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं वो मायने रखता है. आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए. सिर्फ दो तीन क्वेश्चंस या किसी दो तीन टॉपिक्स को लेके बैठना नहीं है, और टॉपिक्स करो. धीरे धीरे पता चलेगा कि ओ वो तो इतने आसान थे कि ये भी हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाता है. लेकिन डरना नहीं है बीच में. और दूसरी बात यही है कि वोकैबुलरी एक दिन में इंक्रीज नहीं होती, धीरे धीरे इंक्रीज होती है. तो एक या दो बार न्यूज़पेपर पढ़ के यू नहीं करना कि नहीं हो रहा. पढ़ते रहो, धीरे 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 यू विल गेट टू इट. आपको समझ आने लग जाएगा. कई बार बच्चे बोलते हैं कि एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा, बिल्कुल समझ नहीं आया न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है. लेकिन अगर आप एक हफ्ते पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या न्यूज चल रही है. तो छोड़ना नहीं है. आपने ये सारी बातें जो बताई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे स्टूडेंट्स को या जो भी आगे एस्पिरेंट्स तैयारी करेंगे. सो ईशा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और इतना डिटेल्ड इंटरव्यू देने के लिए. सारी चीजें आपने कवर की बहुत अच्छे से. सो अहमदाबाद सुबह की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू बी स्पीकिंग विद यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच ईशा.